लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या यादव, एक आदमी को तुम संभाल कर नहीं ला पाए? तुम जानते हो उस केस की इंपॉर्टेंस क्या है? यह आदमी हमारे लिए कितना जरूरी था। लेकिन सर, चुप! उस वक्त ट्रैफिक ड्यूटी पे कौन था? मैं था सर। उस मोटरसाइकिल वाले को देखा आपने? नहीं सर। क्यों? सर मैं चालान काट रहा था। मालूम है आप क्या काट रहे थे? और वहां बीट पर आप थे ना? जी सर। क्या कर रहे थे आप? सर एक मिनट के लिए पान लाने गया था। एक मिनट? जानते हैं आप एक मिनट में क्या हो गया, और जानते हैं एक मिनट में क्या हो सकता है? आपका ट्रांसफर हो सकता है, और ऐसी जगह जहां आपको बांध तो क्या पानी तक नहीं मिलेगा। सलीम सिकली से वापस आए कि नहीं? नहीं सर। बज्जू, यस सर, ये फोटो लेकर जाओ और 10 कॉपी लेकर आओ। ओके सर। कितनी? 10। फौरन। यस सर। यादव, यस सर, आप सब मुझे 8 बजे अप्सरा बार के सामने मिलेंगे, समझे आप? राइट सर। हाँ सलीम, कैसे हो? ठीक हूँ सर, ये फाइल देने के लिए आया था। तो तुम इस केस पे काम नहीं करोगे? नहीं सर। और ये आपका फैसला है? फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ सर, फैसला तो आप बड़े लोग करते हैं। एक मुजरिम मेरे हाथ से निकल जाता है और सारे डिपार्टमेंट में खुसर फुसर शुरू हो जाती है, और मुझे उस केस से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। और आज आपकी कस्टडी में एक मुजरिम मारा जाता, कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हैं, एक IPS ऑफिसर हैं और किसी बड़े बाप के बेटे हैं। IPS ऑफिसर, बड़ा बाप, आप जानते हैं मेरे पिताजी को? वो मेरे पिताजी हैं। पूछिए उनसे मैं कैसे बना IPS, बता नहीं पाएंगे आपको, बरसों से खामोश हैं। और वो मेरी भाभी हैं, विधवा हैं। पूछिए उनसे कैसे बनी वो विधवा, जिन लोगों ने मेरे भाई की हत्या की थी। मेरे पिताजी का ये हाल बनाया, उनकी शक्ल तक नहीं देख पाया मैं। हमदर्दी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप सुनिए, IPS बनने के लिए जी तोड़ मेहनत की है मैंने। IAS के लिए चुना गया था, कलेक्टर बनकर आराम की जिंदगी गुजार सकता था मैं, लेकिन मैंने IPS चुना। क्यों? क्योंकि हर मुजरिम में मुझे वही लोग नजर आते हैं। हर मुजरिम को मैं कानून के सामने भिखारी की तरह खड़ा देखना चाहता हूं। और ये मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे घर का मामला है, नहीं, ये मेरे मुल्क का मामला है। मेरे मुल्क का नहीं है? शायद नहीं है, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मैं अपने मुल्क को अपना घर समझता हूं, और अपना घर बचाने के लिए मुझे किसी सलीम की जरूरत नहीं है। सर फोटो सबके पास एक एक है? यस सर। यस सर। ये बार कोई पहचानता है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है सर, ये मैं जितने बार हैं सबके राउंड लगाइए, ये लड़की मिलनी चाहिए। आप लोग इस तरफ देखिए, आप लोग इस तरफ। और हाँ, ये लड़की अगर कहीं मिल गई तो क्या करेंगे आप लोग? उसको अरेस्ट करेंगे? नहीं, एक आदमी वहीं रुकेगा और दूसरा मुझे आके रिपोर्ट करेगा। ओके, मैं अफसर अबार में हूँ। ठीक है, जाइए आप लोग। यस सर। अच्छा सर। आपने खाना खाया? नहीं। खेड़ा नाका जाइए, आपके मतलब का खाना मिलेगा। सर इन लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं होता, महीने दो महीने में ये बार बदलती रहती हैं। इस एरिया में तो नहीं है सर। बॉम्बे सेंट्रल चलते हैं। ओके सर। वहां भी कुछ नहीं मिलेगा साहब। तुम यहां क्या कर रहे हो सलीम? क्यों, कोई पाबंदी है? इसी लड़की को ढूंढ रहे हैं ना आप? नहीं मिली ना? अगर मिल भी गई तो क्या होगा, आपको तो ठाकुर चाहिए है ना। ये लीजिए, मिल जाएगा आज रात को खेड़ा नाके पर। जाइए उठा लीजिए उसको। रुको सलीम, मेरी बात सुनो। और क्या सुनाएंगे, अब नहीं सुनूंगा। दे तो दिया आपको ठाकुर, और क्या चाहिए, जाइए।
बचाइए अपने मुल्क को, अपने घर को। अब मेरी क्या जरूरत है? जरूरत है सलीम। इस घर को बचाने के लिए मुझे एक नहीं, 10 सलीम की जरूरत है। 10 नहीं साहब, 10,000 मिलेंगे अगर आप भरोसा करेंगे तो। सलीम, मेरी बात सुनिए सर, फिर कभी किसी सलीम से मत कहना, ये मुल्क उसका घर नहीं। नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा। सलीम, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तो सही है, वरना रात भर हम लोग यहीं रुके रहेंगे। इन्फॉर्मेशन तो सही है सर, यहीं खेड़ा नाका पे आएगा। सर, एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, लगता वही है जिसने नाइक को मारा था। कुछ मत करना, आने दो उसे। कुत्ता सूंघने आया था, जाने दो उसे। राइट सर। सर, सुल्तान है वैन में। मालूम है सर, आज मैं सुल्तान को नहीं छोड़ूंगा। और ठाकुर, बैठ। ठाकुर पे कोई गोली नहीं चलाएगा, मुझे ठाकुर जिंदा चाहिए, समझे? ओके सर। होशियार रहना, ऐसा मौका हमें आगे नहीं मिलेगा। माल आ गया तेरा, वीरन तक पहुंच भी जाएगा। माला कैसी थी? क्या ठाकुर, तेरे को कितनी बार बुलाया तू आता नहीं। कौन है तू? पहचाना नहीं? एसीपी राठौड़। चल उठ, चल चल उठ। Oh!
ठाकरे देखो वो जिंदा है कि नहीं। तू जा। क्या हुआ? ये क्या यहां जंग शुरू करना चाहते हैं? अपने मुल्क के दुश्मन बहुत खुश नसीब हैं सर, उन्हें हमारे साथ लड़ने के लिए अपने सिपाही नहीं सिर्फ हथियार भेजने पड़ते हैं। वेल डन। राठौड़ कैसा है? आप अफसर हैं और ये लापरवाही, आपने फौरन इन्हें नजदीक के किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं एडमिट करवाया? जरा सी और देर होती तो कुछ भी हो सकता था। कितना खून बह गया है। आप अंदर नहीं जा सकते। ले आओ इसे।
जाओ। बोलो मिर्ची। हुकुम, सब गड़बड़ हो गया। क्या? हमने जो माल भेजा था सब पकड़ा गया। कैसे? हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ हुकुम, उधर सुल्तान लोगों से कोई गलती हुई है। गलती नहीं, गुनाह। जाने दीजिए हुकुम, उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। जाने दे? तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस भी जाने देगी? केस वहीं का वहीं रुक जाएगा? अगर तुम चाहते हो कि पुलिस तुम्हारे दरवाजे तक ना पहुंचे तो कुछ करना होगा तुम्हें ही। गलती का हर्जाना भरना पड़ता है मिर्ची, गुनाह की सजा भुगतनी पड़ती है। अब देखो ना अभी इस नादान ने क्या किया, हमारी खाबगाह में आकर हमारे बेशकीमती साजो सामान के साथ छेड़खानी की। तुम्हें क्या लगता है हम इसे माफ कर देंगे, जाने देंगे? जानते हो इसे क्या सजा दी जाएगी?